बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल रेडी एंड ईट। मैं हूं आपकी शेफ, आपकी होस्ट, हाज़िर हूं आपकी खिदमत में एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ। आज बनाए गए मैदे की और कोकोनट की बर्फ़ी बहुत ज़्यादा मज़े की, बहुत ही लजीज बनती है और बहुत आसानी से तैयार हो जाती है। तो चैनल पर नए हैं तो जल्दी से कर लें चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को कर दें लाइक। तो आइए फिर मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो जी, इसके लिए मैंने कढ़ाई को चूल्हे पर रख लिया है, फ्लेम को भी मैंने ऑन कर लिया है, लेकिन फ्लेम को बिल्कुल लो रखना है, फ्लेम को हाई नहीं करेंगे। एक कप मैंने लिया है घी, आप चाहें तो बटर भी ले सकते हैं, देसी घी भी ले सकते हैं, तो मैं वनस्पति घी यूज़ कर रही हूँ। तो ग्रामेज में ये होगा 200 ग्राम्स। जैसे ही घी मेल्ट हो जाएगा हम इसमें मैदा ऐड कर देंगे। तो जी, घी हमारा मेल्ट हो गया है, इसमें 1 ड्रॉप मैं बटर एसेंस का ऐड करूँगी, इससे बड़ा ही अच्छा फ्लेवर आएगा। और साथ ही इसमें मैदा ऐड करेंगे। 2 कप मैंने मैदा लिया है, ग्रामेज में ये होगा 250 ग्राम्स। बिल्कुल लो फ्लेम पे हमने मैदे को अच्छे से फ्राई करना है, फ्लेम को हाई नहीं करेंगे क्योंकि हमने मैदे का कलर चेंज नहीं करना, जस्ट इसे फ्राई करना है ताकि इसका जो कच्चापन है वो दूर हो जाए। तो जी, मैदे को फ्राई होने में तकरीबन 5 से 6 मिनट लग जाएंगे क्योंकि हमने इसे बिल्कुल लो फ्लेम पे कुक करना है, तो फ्लेम को हाई नहीं करेंगे और 5 से 6 मिनट अच्छे से इसे फ्राई कर लेंगे। फ्लेम हाई करेंगे तो ये एकदम से जल जाएगा और इसका कलर भी चेंज हो जाएगा और इसका टेस्ट भी खराब हो जाएगा। स्टेयर करते हुए हम इसे पकाएंगे। ये बर्फी बहुत ज्यादा मजेदार बनती है, आप जरूर ट्राई करें और मुझे अपना फीडबैक दें। और चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को कर ले सब्सक्राइब और वीडियो को कर दें लाइक। इससे क्या होगा, इससे मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचेगा और ये बिल्कुल फ्री है। तो जी देखें, बैटर हमारा पकना शुरू हो गया है, इसे पकते हुए 2 से 3 मिनट हो गए हैं। हम इसे तकरीबन 5 से 6 मिनट कुक करेंगे, इससे ज़्यादा नहीं करेंगे, लेकिन ना तो हमने फ्लेम को हाई करना है और ना ही हमने बैटर का कलर चेंज करना है। तो स्टेयर करते हुए हम इसे पकाएंगे, चम्मच को नहीं छोड़ेंगे। अगर हमने चम्मच को छोड़ दिया तो ये नीचे वाली साइड से लगना शुरू हो जाएगा और नीचे से इसका कलर चेंज हो जाएगा, जो कि हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो चम्मच को चलाते हुए हमने इसे पकाना है, या इसे तब तक पकाएंगे जब तक कि इसमें से अच्छी सी खुशबू ना आनी शुरू हो जाए। मैदा जब पकता है तो अच्छे से कुक हो जाता है, उसमें से बड़ी अच्छी खुशबू आनी शुरू हो जाती है। जब खुशबू आनी शुरू हो जाए तब तक हम इसे कुक करेंगे। तो जी देखें, बैटर को पकते हुए 5 से 6 मिनट हो गए हैं, इसमें जो हमने घी ऐड किया था वो भी सारा रिलीज हो गया है। अब इस स्टेज में हम इसमें ऐड करेंगे डेसिकेटेड खोपरा, जो कि मैंने लिया है 1/4 कप, और ग्रामेज में ये है 100 ग्राम्स। 1 से 2 मिनट इसे मज़ीद पकाएंगे। डेसिकेटेड खोपरा है, ये भी बहुत जल्दी जल जाता है, तो फ्लेम को आपने लो ही रखना है, फ्लेम को हाई नहीं करना। डेसिकेटेड कोकोनट इसमें ऐड करने से इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। अगर आप कोकोनट इसमें ऐड नहीं करना चाहते तो आप इसमें मिल्क पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। तो मिल्क पाउडर आप इसमें 1/2 कप ऐड करें, उससे भी टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। आप चाहे तो मिल्क पाउडर भी ऐड कर सकते हैं और डेसिकेटेड कोकोनट भी ऐड कर सकते हैं। 1 से 2 मिनट पकाना है, इससे ज्यादा नहीं पकाएंगे। तो जी देखें, 1 से 1.5 मिनट मैंने इसे पका लिया है, कोकोनट का जो ऑयल था वो भी रिलीज़ हो गया है और कोकोनट की बहुत ही अच्छी सी खुशबू भी आनी शुरू हो गई है। बस इसी स्टेज पे फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे, इसे ज़्यादा कुक नहीं करेंगे और अब इसके लिए चाशनी तैयार करेंगे तो जी अब हम शुगर सिरप तैयार करेंगे। इसके लिए मैंने लिए 2 कप चीनी, जो कि ग्रामेज में है 400 ग्राम्स, क्योंकि इसमें हमने ऐड किया है 250 ग्राम्स मैदा और 200 ग्राम्स हमने इसमें घी ऐड किया है, तो उसी हिसाब से हम इसमें शुगर ऐड करेंगे। और इसमें पानी ऐड करेंगे 1 कप, जो कि ग्रामेज में होगा 250 ml। तो पानी जब भी आपने ऐड करना है, चीनी का 1/2 पानी लेना है। हमने 2 कप चीनी ली है तो इसमें 1 कप पानी का ऐड करेंगे और 1 तार की चाशनी तैयार करेंगे। तो जी देखें, शुगर हमारी बहुत ही अच्छे से डिज़ोल्व हो चुकी है, अब इसे अच्छे से पकने देंगे जब तक इसमें 2-3 उबाल ना आ जाए। तो जी देखें, सिरप हमारा पकना शुरू हो गया है, इसमें 2 से 3 उबाल आ गए हैं। अब इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर लेते हैं, हमें 1 तार वाली चाहिए, अभी चेक कर लेते हैं। तो देखें, अभी तार बिल्कुल भी नहीं बन रहा, तो इसे 2 से 3 उबाल और देंगे। तो जी, शुगर सिरप को मैंने 2 से 3 मिनट और पका लिया है, अब इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर लेते हैं कि ये तार वाली हुई है कि नहीं। ये देखें जी, इसमें तार बननी शुरू हो गई है, ये देखें अच्छी खासी तार बननी शुरू हो गई है। फ्लेम को ऑफ करेंगे और इसे जो हमने बैटर तैयार किया था उसमें ऐड करेंगे। तो जी, बर्फी को सेट करने के लिए मैंने ये पिज़्ज़ा ट्रे ली है, मेरे पास ये पिज़्ज़ा ट्रे थी। अगर आपके पास ऐसी ट्रे नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आपके पास जो भी ट्रे हो, कोई प्लेट हो, आप उसी में इसे सेट कर सकते हैं। और मैंने इसे अच्छे से ऑयल से ग्रीस कर लिया है, इसे साइड पर करेंगे। तो जी, ये जो बैटर हमने घी से और मैदे से तैयार किया था, अब ये जो चाशनी है इसमें ऐड करेंगे
मैंने इसे चूल्हे से बिल्कुल उतार लिया है। चूल्हे से उतार के ही आपने ये सारा काम करना है। बर्तन को अच्छे से साफ़ किया करें, इससे रिस्क में बरकत होती है। इसे साइड पे करेंगे और इसे हमने अब अच्छे से मिक्स करना है। ये देखें इसकी कंसिस्टेंसी, ये कितना लिक्विडी है, लेकिन इसे सिर्फ अब हमने मिक्स करना है, बीट करना है। इतना बीट करना है कि ये बिल्कुल थिक कंसिस्टेंसी में आ जाएगा। ये देखें जी, चम्मच को चलाना है, मुसलसल चलाना है, चम्मच को नहीं छोड़ेंगे। और इसी तरह हम अपनी बर्फ़ी तैयार करेंगे। अब यहाँ पे सिर्फ चम्मच को चलाने का काम है, आपने चूल्हे पे रख के ये काम नहीं करना। इसी तरह आपने चूल्हे से उतार लेना है। और बैटर जो हमारा हमने तैयार किया था वो बिल्कुल ठंडा था, और जो हमने चाश तैयार की थी वो बहुत ज़्यादा गर्म थी। इसी तरह हम इसे स्टेयर करते हुए अच्छे से थिक कंसिस्टेंसी तक इसी तरह बीट करेंगे। चाहें तो इसमें ड्राई फ्रूट्स भी अपनी मर्ज़ी के ऐड कर सकते हैं। बस इसे अच्छे से बीट करते जाना है और कुछ भी नहीं करना। बिल्कुल ये डो फॉर्म में आ जाएगा। तो जी देखें, हमने इसे बीट करना है कब तक, जब तक कि इसमें जो हमने घी डाला है वो अच्छे से रिलीज़ ना हो जाए और ये सारा बैटर जो है वो एक डो फॉर्म में आके एक साइड पे इकट्ठा होना ना शुरू हो जाए। तो जब ये एक साइड पे इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, घी इसमें से रिलीज़ हो जाएगा, तो ये इस बात का इंडिकेशन है कि हमारी डो जो है, हमारी बर्फ़ी जो है, बिल्कुल रेडी हो गई है। फिर हम इसे प्लेट में ट्रांसफ़र करेंगे। तो जी देखें, बैटर हमारा रेडी हो गया है। इसे बीट करने में मुझे 10 से 12 मिनट लग गए हैं। और ये देखें, ये बिल्कुल सेट हो गया है। इसमें जो हमने घी डाला था वो भी रिलीज़ हो गया है और इसने पैन छोड़ दिया है और एक साइड पे इकट्ठा होना शुरू हो गया है। इसे अब मोल्ड में ट्रांसफ़र करेंगे। आधा मैं मोल्ड में ट्रांसफ़र करूँगी और आधे में मैं पिंक फूड कलर ऐड करूँगी। तो जी इस तरह मैंने ये जो ट्रे रेडी की थी इसमें से मैं हाफ़ लूँगी, हाफ इसमें ऐड कर दूँगी। ये देखें जी, और इसमें मैं फूड कलर ऐड करूंगी। इसे करेंगे सेट। ये बहुत ही आसानी से सेट हो जाता है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेता। तो देखें, इसी तरह स्पैचुला की हेल्प से आपने इसे ट्रे में सेट कर लेना है, अच्छे से फैला लें। तो जी देखें, मैंने इसे ट्रे में पूरा फैला लिया है। स्पैचुला की हेल्प से ही आपने इसे सेट कर लेना है, या फिर इस तरह आप ट्रे को मूव करके भी इसे सेट कर सकते हैं। अब ये जो बाकी का है इसमें मैं पिंक फूड कलर ऐड करूँगी, तो मैं इसमें एक दो ड्रॉप्स ही ऐड करूंगी, ज़्यादा ऐड नहीं करूंगी। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। डबल फ्लेवर में बर्फ़ी बनेगी, लुक वाइज भी बहुत ही अच्छी होगी और टेस्ट तो इसका ऑलरेडी बहुत ही अच्छा होता है। एक ड्रॉप इसमें और ऐड करूंगी, दो ड्रॉप्स मैंने मज़ीद ऐड किए हैं। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखें, इसमें से सारा घी जो हमने डाला था वो रिलीज़ हो चुका है। बैटर कितना अच्छा हो गया हमारा। अगर बीट करते हुए आपको लगे कि ये लिक्विडी है और जल्दी से वो सेट नहीं हो रहा, तो आप इसे 2 से 3 मिनट की रेस्ट दें और उसके बाद बीट करें, तो इंशाल्लाह बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। तो जी देखें, मैंने कलर को अच्छे से इसमें मिक्स कर लिया है। अब इसकी सेकेंड लेयर लगाएंगे बर्फ़ी के ऊपर। इसी के ऊपर इसे फैलाते हुए हमने पूरी ट्रे में इसे कवर कर देना है, जितना हमने उसे फैलाया है। ये देखें, इस तरह से थोड़ा थोड़ा बैटर लेंगे और इसे सेट करते जाएंगे। और आप देखें ये कितनी आसानी से सेट हो जाता है, बिल्कुल भी इसे सेट होने में टाइम नहीं लगता। ये देखें, अच्छा जी देखें, मैंने सारा बैटर जो है वो मोल्ड में सेट कर लिया है। अब मैंने ये चोप बादाम और पिस्ते लिए हैं, इसके ऊपर गार्निश करेंगे। इसे टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा और इसकी लुक तो अच्छी है ही, इसकी लुक और टेस्ट दोनों ही इससे अच्छे आएंगे। ड्राई फ्रूट्स में आपको जो भी पसंद हो आप वो लगा सकते हैं, और अगर नहीं है तो इसके बिना भी ये बर्फ़ी बहुत ही मज़े की बनती है। तो इस तरह स्पैचुला की हेल्प से ऊपर इसे स्टिक कर देंगे। अब इसे सेट होने के लिए 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ेंगे और फिर मैं इसकी कटिंग करूँगी। तो जी बर्फ़ी हमारी सेट हो गई है। ये देखिए लुक कितनी अच्छी आई है। तो मैंने ये कुकी कटर लिया है हार्ट शेप वाला, अब मैं इससे इसकी कटिंग करूँगी। तो आप चाहे तो इसे स्क्वायर में या फिर ट्रायंगल में किसी तरह भी इसे कट कर सकते हैं। ये देखिए जी, तो इसी तरह सारी कटिंग कर लेंगे। तो जी तैयार है हमारी मैदे की और कोकोनट की बर्फ़ी। आपने देखा मैंने कितनी आसानी से इसे तैयार कर लिया है,
और ये कितनी गुड लुक है और खाने में भी बहुत ज्यादा यम्मी और टेस्टी है। तो जी तैयार है हमारी मैदे की और कोकोनट की बर्फी। आपने देखा मैंने कितनी आसानी से इसे तैयार कर लिया है और मैंने प्रॉपर आपको गाइड किया है कि किस तरह इसको बनाना है। बनाना बहुत आसान है, आपने वीडियो देख ही ली। लास्ट में मेरी वीडियो को करें लाइक, चैनल को करें सब्सक्राइब, फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, फी मानिल्ला।